गुड इवनिंग क्लास 8 स्टूडेंट्स. बच्चों, आज हम अपना चैप्टर 15 करेंगे उड़ान कार्य पुस्तिका में. कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, जिससे आपकी सेट के पेपर की तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि ये उस सिलेबस का है चैप्टर. तो देखिए, सबसे पहले इसमें एक्टिविटी हमारी क्या है. पहली एक्टिविटी, निशा अपने पिताजी के साथ घूमने के लिए पार्क में गई. अचानक मौसम में परिवर्तन के कारण तेज आंधी के साथ आसमान में बिजली गरजने व चमकने की घटना दिखाई दी. अगले दिन निशा ने अपने अध्यापक से इस घटना के बारे में पूछा तो अध्यापक ने बताया कि बच्चों, इस प्रकार की घटनाएं विपरीत आवेश के पृथक्करण के कारण होती है. जैसा कि चित्र में दिखाया गया है. अब यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि जैसे ये अलग अलग आवेशित आवेश जो हैं, जब ये टकराते हैं तो बिजली चमकने जैसी घटनाएं होती हैं. तो इसे हम तड़ित कहते हैं, तड़ित झंझा कहते हैं. अब प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है. क्या आप इस प्रकार की अन्य प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में बता सकते हैं. और ऐसी कौन सी प्राकृतिक परिघटनाएं हैं बच्चों, जैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात, ठीक है, ये इस तरह की जो परिघटनाएं, सुनामी, ये भी सभी की सभी प्राकृतिक परिघटनाएं हैं जिनसे हमें काफ़ी नुकसान होता है. अगले कार्यपत्रक की तरफ चलते हैं. कार्यपत्रक दो, राजू अपने मित्रों के साथ विद्यालय में खेल के मैदान में खेल रहा था. तभी उसने महसूस किया कि झूले अपने आप हिल रहे थे. सभी बच्चों ने अध्यापक से इसके बारे में पूछा तो अध्यापक ने बताया कि यह भूकंप के कारण है. भूकंप पृथ्वी का कंपन होता है. यह पृथ्वी की भूपरपटी के भीतर गहराई में पृथ्वी की प्लेटों के टकराव से उत्पन्न होता है. बच्चों, यह स्थिति यदि पुनः आपके समक्ष आती है तो आप क्या करेंगे. तो भूकंप की स्थिति में बच्चों, यदि आप घर के अंदर हैं तो हमें तुरंत बाहर खुले में निकलने की प्रयास करना चाहिए. हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी भारी वस्तु हमारे ऊपर ना गिरे, यानी हम दीवार से, भारी वस्तुओं से दूर हो जाएं, क्योंकि अगर वो हमारे सिर पर गिरी तो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है. उस स्थिति में बचने के लिए आप टेबल जैसी चीज़ों के नीचे भी पनाह ले सकते हैं और इस प्रकार आप अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास कर सकते हैं. तो पूरे चैप्टर को एक बार इस बुक में से भी ज़रूर रीड करें. उसमें आपको सब कुछ डिटेल में बताया गया है कि भूकंप, चक्रवात, इस तरह की परिस्थितियों में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किन क्षेत्रों में भूकंप अधिक आते हैं. भूकंप को मापने के लिए हम रिक्टर स्केल का या रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल करते हैं. तो आप पूरा डिटेल में चैप्टर को ज़रूर पढ़ें. थैंक यू.